Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of MySirG.com. Guys, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन के बारे में. तो इसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल को कंसीडर कीजिए. मान लीजिए आपके पास एक क्लास है टेबल. इस टेबल क्लास के अंदर एक मेथड है डिस्प्ले. ये डिस्प्ले मेथड आपसे आर्ग्यूमेंट में एक नंबर लेता है और जो भी नंबर आप इसे प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर का ये टेबल प्रिंट करके आपको दिखा देता है. मेरे पास दो थ्रेड्स हैं, एक है थ्रेड वन, एक है थ्रेड टू. थ्रेड वन और थ्रेड टू दोनों ही इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करती है और एक एक नंबर पास करती है. तो अगर ये दोनों थ्रेड्स पैरेलली इस डिस्प्ले मेथड को यूज़ करना चाहती हैं तो इन दोनों थ्रेड्स को म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करना होगा. क्योंकि अगर एक थ्रेड ने एग्जीक्यूशन शुरू किया तो जब तक वो अपना पूरा टेबल प्रिंट ना कर ले तब तक दूसरी थ्रेड को किसी और नंबर का टेबल प्रिंट नहीं करना है. अदरवाइज प्रोग्राम में आ जाएगी इनकंसिस्टेंसी. वो कैसे? तो शुरू की 10 टर्म्स को हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर का टेबल मानते हैं. तो मान लीजिए अगर एक थ्रेड ने नंबर 5 का टेबल प्रिंट करना शुरू किया और उसकी कुछ टर्म्स को प्रिंट करने के बाद वो सीपीयू पर से हट गई और दूसरी थ्रेड ने किसी और नंबर के टेबल को प्रिंट करना शुरू कर दिया, तो शुरू की जो 10 टर्म्स मिलेंगी वो दो टेबल का मर्ज होगा जो कि एक करेक्ट आउटपुट नहीं होगा. इसलिए डिस्प्ले मेथड को पैरेलली यूज करने के लिए इन दोनों थ्रेड्स को सेटिस्फाई करना होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को. तो आ जाइए समझते हैं कि ये दोनों थ्रेड्स कैसे सेटिस्फाई करेगी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को. सो गाइज, जावा ने थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए हमें जो कीवर्ड प्रोवाइड किया है उसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड. इसी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड की हेल्प से हम जावा में एक क्रिटिकल सेक्शन को करते हैं डिनोट. मतलब अगर आपको जावा कोड में कोई पर्टिकुलर लाइन या कोई पीस ऑफ कोड क्रिटिकल सेक्शन जैसा लगता है तो आप उस पर्टिकुलर कोड को एम्बेड कर देते हैं विद द कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड. ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड मैं जावा में किसी मेथड के साथ यूज़ कर सकता हूँ पर मैं इसे किसी क्लास या किसी वेरिएबल पर यूज़ नहीं कर सकता. जब ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड किसी मेथड के साथ यूज़ होता है तो वो मेथड कुछ इस तरीके से दिखाई देती है कि उसके हेडर पर मैं लिख देता हूँ सिंक्रोनाइज्ड. सो आप दे दीजिए एक्सेस स्पेसिफायर, इसके बाद लगाइए सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड और फिर रिटर्न टाइप एंड देन उसके बाद फंक्शन का नाम. जब आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को किसी मेथड के हेडर पर इस तरीके से यूज़ करते हैं तो ये पूरा का पूरा मेथड ही क्रिटिकल सेक्शन जैसा ट्रीट करने लगता है. पर कभी कभी हमें इस पूरे मेथड को क्रिटिकल सेक्शन नहीं बनाना होता बल्कि इसकी कुछ लाइनें शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ कर रही होती है और हम उन्हीं पर्टिकुलर लाइन्स को क्रिटिकल सेक्शन जैसा बनाना चाहते हैं. तो उसके लिए फिर हमें जावा इस सिंटैक्स को इस तरीके से यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक मेथड बना लें, ऊपर की ये लाइंस किसी भी कॉमन रिसोर्स को यूज़ नहीं कर रही है ना ही नीचे की ये दो लाइंस. इन दो लाइंस में कुछ कॉमन रिसोर्स यूज़ हो रहा होगा इसलिए हम इसे बनाना चाहते थे क्रिटिकल सेक्शन. तो इन लाइंस के ऊपर लिख दीजिए सिंक्रोनाइज्ड और यहाँ पर पैरेंथेसिस में ये आपसे रिसीव करेगा एक ऑब्जेक्ट. अब ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट होगा इसे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए अब बस आप सिंटेक्स को समझ लीजिए कि यहाँ पर इन दो लाइंस को अगर आप क्रिटिकल सेक्शन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए इसके ऊपर सिंक्रोनाइज्ड और यहाँ पर मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को करना होगा पास. सो इस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड की वर्किंग को समझने के लिए इस कोड स्निपेट को ऑब्जर्व कीजिए. मान लीजिए मेरे प्रोग्राम में एक क्लास है जिसका नाम है टेबल और इस टेबल क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है डिस्प्ले. इस डिस्प्ले मेथड को मैं जो भी नंबर पास करता हूँ ये उस नंबर का टेबल मुझे प्रिंट करके दिखा देता है. अब मान लीजिए इन दो लाइंस को एक थ्रेड इवेलुएट कर रही है जिसका नाम है थ्रेड वन. अब जैसे ही थ्रेड वन इस न्यू टेबल लाइन को चलाएगी टेबल क्लास का बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट और यहाँ से ये रेफरेंस टी इस ऑब्जेक्ट को करने लगेगा पॉइंट. अब जैसे ही थ्रेड वन इस टी डॉट डिस्प्ले वाली लाइन को चलाएगी तो क्योंकि ये डिस्प्ले का एक कॉल है इसलिए थ्रेड वन एंटर कर जाएगी इस डिस्प्ले मेथड के अंदर. अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए इस डिस्प्ले मेथड को मैंने बना रखा है सिंक्रोनाइज्ड. तो जैसे ही थ्रेड वन इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड में एंटर करने की कोशिश करेगी तो जिस रेफरेंस की हेल्प से डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ है वो रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट पर थ्रेड वन लगा देगी एक लॉक.
मतलब जब भी कोई थ्रेड किसी सिंक्रोनाइज मेथड में एंटर करती है तो एंटर करने से पहले वो मेथड जिस रेफरेंस की हेल्प से कॉल हुआ है वो रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट पर थ्रेड एक्वायर कर लेती है एक लॉक, और इस लॉक को थ्रेड तब तक ऑब्जेक्ट पर लगे रहने देती है जब तक वो इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक से बाहर नहीं आ जाती। अब मान लीजिए अगर कोई थ्रेड इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर है और किसी कारण से उसे सीपीयू पर से सस्पेंड कर दिया जाता है, इसका मतलब अभी उसके सिंक्रोनाइज ब्लॉक का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है, या ये कह लीजिए वो अभी भी क्रिटिकल सेक्शन में है, और क्योंकि उसने इस ऑब्जेक्ट पर लॉक लगा के रखा हुआ है इसलिए अगर कोई दूसरी थ्रेड इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस मेथड को अगर कॉल करने की कोशिश करेगी तो वो इस पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज ब्लॉक में एंटर नहीं कर पाएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लॉक्ड है इस थ्रेड वन के थ्रू। सो जरा आपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन के स्टेटमेंट को रिकॉल करिए। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन में अगर कोई एक थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में होती है तो दूसरी थ्रेड को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की परमिशन नहीं मिलती। अब देखिए यहाँ पर इस सिंक्रोनाइज कीवर्ड को यूज़ करने भर से आपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को कर लिया है अचीव, क्योंकि जब थ्रेड वन इस पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर है और मान लीजिए अगर उसे सीपीयू पर से सस्पेंड कर भी दिया जाता है तो भी दूसरी कोई थ्रेड इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके फिर डिस्प्ले मेथड को कॉल करके इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में एंटर नहीं कर सकती, और इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करना। चलिए अब जरा इस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो मान लीजिए आपके पास एक क्लास है टेबल जिसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले मेथड आपसे आर्गुमेंट में एक नंबर रिसीव करता है और उस नंबर का टेबल प्रिंट करके आपको दिखा देता है, और इस मेथड को मैंने यहाँ बनाया हुआ है सिंक्रोनाइज। चलिए अब इसके साथ ही मेरे पास एक और क्लास है जिसका नाम मैंने रखा है थ्रेड वन। इस थ्रेड वन क्लास के अंदर इस टेबल क्लास का मैंने एक रेफरेंस बनाया। इस थ्रेड वन क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इस टेबल के ऑब्जेक्ट को रिसीव किया और जो ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ उसे असाइन कर दिया इस टी में। उसके बाद मैंने एक रन मेथड दिया। इस रन मेथड में मैंने कहा टी डॉट डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले मेथड मैंने कॉल किया विद द वैल्यू 5। इसी तरीके से मैंने एक और थ्रेड बनाई क्लास थ्रेड 2। इस क्लास थ्रेड 2 में भी मैंने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया टेबल क्लास का। इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने ऑब्जेक्ट रिसीव किया टेबल क्लास का और उसे असाइन कर दिया इस टी में। यहाँ पर भी मैंने रन मेथड दिया जिसमें मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया और पास कर दी वैल्यू 6। सो इन दोनों क्लासेस में मैंने ये इतना लंबा काम क्यों कर रखा है ये आपको इस कोड को इलैबोरेट करते टाइम पर समझ में आ जाएगा। अभी ये मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं सिंक्रोनाइजेशन को अचीव नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब मेरे पास एक और क्लास है जिसके अंदर मेरा मेन मेथड है। सो इस मेन मेथड में मैंने बना लिया टेबल का ऑब्जेक्ट, फिर मैंने बना लिया थ्रेड वन का ऑब्जेक्ट और ये टेबल ऑब्जेक्ट इसके कंस्ट्रक्टर को कर दिया पास। बिल्कुल वैसे ही मैंने बना लिया थ्रेड टू का ऑब्जेक्ट और इसके कंस्ट्रक्टर को भी कर दिया यही सेम टेबल ऑब्जेक्ट पास। चलिए तो इस कोड को करते हैं लाइन बाय लाइन ड्राई रन और समझते हैं कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन हमें होगा अचीव। तो जैसे ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी स्टेटमेंट न्यू टेबल, टेबल क्लास का बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर टेबल रेफरेंस बैठकर इस टेबल ऑब्जेक्ट को करने लगेगा पॉइंट। अब न्यू थ्रेड वन चलने पर थ्रेड वन का बन जाएगा ऑब्जेक्ट और इसके कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएगा यही टेबल ऑब्जेक्ट। तो ये टेबल ऑब्जेक्ट पास हो गया इसके कंस्ट्रक्टर को जहाँ से ये असाइन हो गया इस वाले टी में। तो ये टी यहाँ बैठकर पॉइंट करने लगा हमारे यही सेम टेबल ऑब्जेक्ट को। उसके बाद जब मैंने कहा न्यू थ्रेड टू तो न्यू थ्रेड टू कहने पर थ्रेड टू का ऑब्जेक्ट बना और उसके कंस्ट्रक्टर को भी यही सेम टेबल ऑब्जेक्ट कर दिया गया पास। ये टेबल ऑब्जेक्ट पास होने पर ये असाइन कर दिया गया इस वाले टी में और ये टी यहाँ बैठकर पॉइंट करने लगा हमारे इसी सेम ऑब्जेक्ट को। अब इसके बाद लाइन चली th1.start और th2.start, तो th1 और th2 ये दोनों थ्रेड्स आ गई थ्रेड पूल में। अब आप जानते ही हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो th1 को सीपीयू पर शेड्यूल कर सकता है या फिर th2 को। सो मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने th2 थ्रेड को पहले कर दिया सीपीयू पर शेड्यूल। इस th2 थ्रेड के सीपीयू पर शेड्यूल होते ही इसका रन मेथड हुआ एग्जीक्यूट और थ्रेड 2 ने इस डिस्प्ले मेथड को कर लिया कॉल।
अब जरा देखें, ये टी रेफरेंस यहां बैठकर पॉइंट कर रहा है हमारे इस टेबल ऑब्जेक्ट को। तो जैसे ही थ्रेड इस डिस्प्ले मेथड में डाइव करेगी, ये डिस्प्ले मेथड क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड मेथड है इसलिए वो इस टेबल ऑब्जेक्ट पर अक्वायर कर लेगी एक लॉक। अब इस लॉक को एक्वायर करने के बाद थ्रेड आ जाएगी हमारी सिंक्रोनाइज्ड डिस्प्ले मेथड में और यहाँ पर टेबल की प्रिंटिंग कर देगी शुरू। अब क्योंकि यहाँ से मैंने 6 पास किया है तो 6 का टेबल प्रिंट होना हो जाएगा शुरू। अब मान लीजिए 6 के टेबल की कुछ टर्म्स प्रिंट होने के बाद ये थ्रेड 2 हो गई सस्पेंड। थ्रेड 2 को सीपीयू पर से हटाते ही सीपीयू हो गया आइडल और सीपीयू के आइडल होने के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम ने शेड्यूल कर दिया इस TH1 को। TH1 के शेड्यूल होते ही इसने अपने रन मेथड का एग्जीक्यूशन शुरू किया और रन मेथड के एग्जीक्यूशन शुरू करते ही इसने भी डिस्प्ले मेथड को कॉल करने की कोशिश की। पर जरा ध्यान दें, थ्रेड 1 ने भी डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस टी, जो कि पॉइंट कर रहा है हमारे एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो पहले से लॉक्ड है और इस पर लॉक लगाया है इस थ्रेड 2 ने। सो जैसे ही थ्रेड 1 इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से डिस्प्ले को कॉल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से लॉक्ड है इसलिए वो थ्रेड आ जाएगी ब्लॉक्ड स्टेट में और इस सिंक्रोनाइज्ड वॉइड डिस्प्ले मेथड में वो एंटर नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि थ्रेड 1 ब्लॉक्ड स्टेट में है इसलिए थ्रेड 2 वापस सीपीयू पर शेड्यूल होगी और अपना एग्जीक्यूशन करेगी कंप्लीट। और जैसे ही थ्रेड 2 इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक से बाहर आएगी वो स्टेबल ऑब्जेक्ट पर लगाए गए लॉक को रिलीज कर देगी। इस लॉक के रिलीज होते ही JVM एक नोटिफिकेशन रिलीज करेगा जिसके कारण ये थ्रेड 1 ब्लॉक्ड स्टेट से निकलकर वापस आ जाएगी रनेबल स्टेट में। इसके बाद जब भी थ्रेड 1 को सीपीयू मिलेगा वो अपना एग्जीक्यूशन करेगी कंप्लीट। चलिए अब मान लीजिए ये जो एक्स्ट्रा काम मैंने थ्रेड में करके रखा था ये मैं यहाँ पर नहीं करता, ना वो मैं यहाँ करता, यहाँ पर टेबल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता और ना ही यहाँ से इन टेबल ऑब्जेक्ट्स को पास करता। उसकी बजाय मैं इसी रन मेथड में कह देता टेबल टी इज इक्वल्स टू न्यू टेबल और इस रन में भी कह देता टेबल टी इज इक्वल्स टू न्यू टेबल। सो क्या इस तरीके से इन दोनों रन मेथड्स में मैं टेबल के ऑब्जेक्ट बनाकर इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करके सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकता हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। सो मान लीजिए दोनों थ्रेड्स के थ्रेड पूल में आने के बाद थ्रेड 1 ने अपना एग्जीक्यूशन पहले शुरू किया। अगर थ्रेड 1 अपना एग्जीक्यूशन शुरू करेगी तो वो रन के अंदर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगी और एक ऑब्जेक्ट बना देगी टेबल क्लास का और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ बैठा टी करने लगेगा पॉइंट। अब जब थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी टी डॉट डिस्प्ले का कॉल तो क्योंकि डिस्प्ले मेथड सिंक्रोनाइज्ड है इसलिए वो उस ऑब्जेक्ट पर लॉक लगा देगी जिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस की हेल्प से डिस्प्ले मेथड को किया गया है कॉल। तो क्योंकि टी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है इसलिए इस ऑब्जेक्ट पर थ्रेड 1 लगा देगी लॉक और लॉक लगाने के बाद वो एंटर कर जाएगी इस डिस्प्ले मेथड के अंदर। सो मान लीजिए क्योंकि यहाँ से मैंने 5 पास किया है इसलिए 5 के टेबल की कुछ टर्म्स प्रिंट होने के बाद हमारी थ्रेड 1 हो गई सीपीयू पे से सस्पेंड। सीपीयू पर से थ्रेड 1 के सस्पेंड होते ही थ्रेड 2 अपना एग्जीक्यूशन शुरू करेगी और अपना एग्जीक्यूशन शुरू करते ही ये भी इस न्यू टेबल लाइन को देखकर एक टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगी। इस बार ये टी यहाँ बैठकर इस नए वाले टेबल ऑब्जेक्ट को कर रहा होगा पॉइंट। अब जब थ्रेड 2 इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगी तो वो देखेगी कि इसे कॉल किया गया है विद द रेफरेंस टी, जो कि पॉइंट कर रहा है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिस पर कोई लॉक नहीं लगाया गया है। तो थ्रेड 2 इस टेबल ऑब्जेक्ट पर एक लॉक लगाएगी और वो भी एंटर कर जाएगी सिंक्रोनाइज्ड वॉइड डिस्प्ले के अंदर और 6 के टेबल की कुछ टर्म्स वो भी कर देगी प्रिंट। सो गाइज, आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं टेबल के इस तरह दो ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से इस सिंक्रोनाइज मेथड में एंटर करने की कोशिश करूंगा तो मैं सिंक्रोनाइजेशन को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक सिंगल ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही इस सिंक्रोनाइज मेथड में एंटर करना होता है ताकि मैं सिंक्रोनाइजेशन को कर सकूँ अचीव। चलिए तो जो कोड हमने यहाँ स्लाइड पर बनाया है इसी को हम ट्राई कर लेते हैं हमारे नेटबीन्स के ऊपर। ये कोड मैंने पहले से ही इस नेटबीन्स पर लिख रखा है, ये बिल्कुल वही कोड है जो हमने स्लाइड्स पर देखा था। सो यहाँ पर एक क्लास टेबल है जिसमें सिंक्रोनाइज्ड वॉइड डिस्प्ले मेथड है, फिर क्लास थ्रेड 1 है और यहाँ पर उसकी कोडिंग है, फिर क्लास थ्रेड 2 है और फिर फाइनली वो क्लास है जिसके अंदर हमारा मेन है। इसके अंदर टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया,
फिर थ्रेड्स बनाई और फिर थ्रेड के स्टार्ट मेथड को कर लिया कॉल। सो गाइस इस कोड को कर लेते हैं एग्जीक्यूट, आप इसके आउटपुट को करिएगा ऑब्जर्व। सो ये रहा आउटपुट, 5 टू 50 पहले प्रिंट हुआ जो कि 5 का टेबल है एंड देन 6 टू 60 प्रिंट हुआ। चलिए अब इस कोड में से मैं सिर्फ इस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को यहां से हटा देता हूं और इसे हटाने के बाद अब आप इसके आउटपुट को करिएगा नोट। सो देखिए जैसे ही मैंने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड हटाया 5 का टेबल प्रिंट होना शुरू हुआ बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया और उससे पहले ही बीच में थ्रेड 2 ने 6 का टेबल प्रिंट करना शुरू कर दिया। So guys, this is the effect of synchronized keyword in order to achieve the mutual exclusion synchronization. So guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए अगले वीडियोस को देखते रहें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो गाइज कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।